नाम दो। तो आज हम समर के एरिया में हैं अभी इस टाइम पे, तो कोविड-19 के हिसाब से हम देखें कि यहाँ पे लॉकडाउन जैसे कोई भी नहीं आता है, और लॉकडाउन जी लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं आता है, और हम यहाँ पे अभी नहीं कोई आ पाता है क्योंकि लॉकडाउन है यहाँ पे कोविड-19 की वजह से। यहाँ पे कोई नहीं, वरना इतना जैम, इतना ट्रैफिक यहाँ पे होता था, लोगों का शोर शराबा होता था, मगर कोई नहीं आता है। तो इंशाल्लाह फिर से वो किस्मत होगी, फिर से आएंगे इंशाल्लाह, तो एक साथ आएंगे। तो आप देख सकते हैं आप कितना सुनसान एरिया है मेरे पीछे साइड से, जो आप देख सकते हैं पीछे साइड से देख सकते हैं कितना सुनसान है। यहाँ पे कोई भी एक कोई भी लोग नहीं यहाँ पे। जून जुलाई आता था ईद के बाद, जो गर्मी का मौसम होता था कश्मीरी सिर्फ सनमर्ग, रोसमर्ग, दसपत्री, गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ जाते थे, मगर इस साल लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से कहीं भी नहीं जा पा रहे, और इस वबा ने हमें बहुत कैद करके रखा है घरों में। इंशाल्लाह आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास रखेंगे, और इंशाल्लाह और मैं आपके लिए फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ोटोज़ खींचूँगा ज़रूर आपके लिए। मैंने कैमरा साथ उठाया, उसे बोला था कि मैं फ़ोटोग्राफी का शौक हूँ, मैं शौक है, और आपके लिए फ़ोटोज़ लाऊँगा, और आप उसको लाइक करना प्लीज़। जैसे आप मेरे टिकटॉक वीडियोज़ को लाइक करते थे, वैसे ही आप मेरे उन वीडियोज़ को लाइक करना प्लीज़, मेहरबानी होगी आप लोगों से। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना एरिया सुनसान है इस साइड से, कोई भी नहीं दाएं बाएं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली सुनसान है। कश्मीरी कितने होते थे यहाँ पे, कितनी भीड़ होती थी पानी के पास, इधर सब जगह हर जगह कोई भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी चीज़, एक टोटल चीज़ 90% कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे कि आपको हम बताएं। सुनसान है यहाँ पे, खामोशी छाई है यहाँ पे, सिर्फ कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। मगर यहाँ पे अभी जो मौसम है, मैं देखी मौसम का हाल पूछूं वहाँ से, तो पिछले इलाके से श्रीनगर से ठंड है, तो सनमर्ग में थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, बहुत ही अच्छा मौसम है, पर यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, और नेचुरल पानी है यहाँ का, और इसको पीने का मन करता है। और ये पानी है, आपको दिखाए इधर से पानी है, तो उसको जो पानी है वो बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे, इस साल बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे आने में। मगर गर्मियों के मौसम में हम इस सोनमर्ग एरिया में आते हैं, और गर्मियों में ही हम यहाँ पे लाभ उठाते हैं, मगर इस साल कोविड-19 की वजह से हम नहीं आ पाए, तो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से हम यहाँ पे नहीं आ पाए। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बाकी एरिया, यहाँ पे कितना खामोशी है, हर जगह से मेरे पीछे पहाड़ है, हार्ड इलाका है, एरिया है मेरे पीछे, उधर भी खामोशी है, उधर भी सुनसान है, हर जगह सुनसान है, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, आता रहता है बेचारा, क्योंकि कश्मीरी यहाँ पे आते थे, कश्मीरों से यहाँ पे चहल पहल होती थी, तो वो भी ठप है, कुछ कारोबार यहाँ पे ठप है, नुकसान बहुत हो रहा है इन लोगों को। और हम अब आपको, हम उन लोगों के पास भी जाएंगे, हम इनके पास भी जाएंगे जो यहाँ पे है, बकरवाल है, जैसे हमारे घोड़े वाले, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो अब उनको पैसे मिले होंगे, क्योंकि यात्रियों को चढ़ाना वढ़ाना अब उनका कारोबार चलेगा, अब वो उन्हीं पर डिपेंडेंट है, क्यों ऐसा ही किस्मत है। अब हम उनसे भी जायजा लेंगे जो बेचारे गरीब है, जहाँ पर गरीब होंगे उनको भी हम पूछेंगे कि आपको कितना ज़रूरत है मदद, कैसे कैसा लग रहा है, कैसे अपना यहाँ पर कोविड-19 में सामना कर रहे हो, और इस कोरोना वायरस में देखेंगे वो ठीक ठाक है कि नहीं, फिक्रमंद है हम। तो आपको हमने ये दिखाया, तो दूसरा वीडियो मैं आपको फ्रेंड से दिखाऊंगा, अपने शक्ल नहीं दिखाऊंगा उसमें, तो फ्रेंड से दिखाऊंगा, वो आप ज़रूर देखेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं ये वादा किया, मैं इधर आया, इधर का दौरा किया आज मैंने, इधर देखा कि क्या क्या चल रहा है। तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी मिलेंगे, अगली जगह जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ का भी देखेंगे वहाँ का क्या है, हालात कैसी है कोविड-19 में। और अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह।